Hello viewers, welcome to Uron, Urologist on Air. So today we are going to throw some insight on various topics related to urology, and we have in conversation with very eminent doctor. So before starting anything, I'd like to request our honorable doctor to please introduce yourself to the audience. Thank you very much. I am Dr. Praveen Kumar Sinha. I reside at Boring Road opposite AN College. I am having a private nursing home known as Rahul Nursing Home. And I am working in Patna as a urologist since more than 18-20 years. I landed in Bihar, in Patna in 2001, and thereafter I am serving the people of Bihar. Okay sir, so first question will be related to kidney stone. So in your experience, what precautions can effectively be taken by the patients to avoid getting kidney stones? First of all, we should try to know why kidney stones do happen. Yes, the sir. First and foremost thing is, I think I should speak in Hindi. Yes, sir. For the Hindi. Yeah. तो basic problem और main reason क्या है कि हम लोग के आज dietary shift हो गए हैं. हम लोग excessive salt intake because of the fast food and everything. Yeah. जो fast food prepare करते हैं उसमें salt की मात्रा ज़्यादा होती है. काफ़ी ज़्यादा. और proteinaceous matter थोड़े ज़्यादा होते हैं. These are the two important dietary contribution. सॉल्ट एंड प्रोटीन, जिसके चलते थोड़ा स्टोन फॉर्मेशन होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि कॉमन एडिबल्स होते हैं जैसे पालक, टमाटर, जिसमें ऑक्सलेट रिच फ्रूट होते हैं, तो इनसे स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है. ये तो एक तरफ हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग के लाइफ स्टाइल में आज के दिन में फ्लूड इनटेक काफ़ी कम हो गया. काफ़ी कम हो गया, राइट. पहले हम लोग स्कूल में जब थे तो किसी भी नल से, किसी भी टैप से, किसी भी टंकी का पानी पी लेते थे. लेकिन हाँ. आज के बच्चों को आज ले को देखिए, हाथ में थर्मस कैरी करेंगे, बॉटल कैरी करेंगे और उसका ही यूज़ करेंगे. दिन भर में वो एक बॉटल से ज़्यादा पानी नहीं पियेंगे. जितने वर्किंग मेल और फीमेल हैं वो भी सुबह निकलते हैं, दिन में अगर पानी लिए तो लिए, नहीं तो फिर घर आकर लेंगे. तो इस तरह से जो थ्रू आउट 24 आवर्स हम लोग का वाटर इनटेक होना चाहिए वो काफ़ी कम हो जाता है. अब वाटर इंटेक से होता क्या है, किडनी का मेन पर्पस क्या है, टू फिल्टर स्मॉल सेल्यूट्स जो यूरिन के रास्ते बाहर होना चाहिए. अगर हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन नहीं होता है तो दैट विल बी डिपॉजिटेड इन द स्टोन. वो कैलिसेस पर डिपॉजिट होते हैं और धीरे धीरे नाइडस बन के स्टोन फॉर्मेशन देता है. इसलिए राउंड द क्लॉक 24 आवर्स एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होना चाहिए जो एक रेगुलर इंक्रीज वाटर इंटेक से ही संभव है. अगर ठीक है, अगर वाटर इंटेक आप नहीं लेते हैं तो फ्रूट जूस लीजिए, माने लिक्विड्स इन एनी एक्सटेंट, सो दैट द सॉल्यूट्स व्हिच हैज फॉर्म्ड इन योर किडनी शुड पास आउट एंड इट शुड नॉट गेट डिपॉजिटेड इन द स्टोन. द यूरिन शुड बी क्लियर, वो कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए. वाइट क्लियर यूरिन होगा तो स्टोन फॉर्मेशन की चांसेस कम हो जाती है. तो मैं समझता हूँ कि इसके संबंध में यदि लोग प्रिकॉशन रखें तो इट्स वेरी गुड इनफ कि हम लोग स्टोन फॉर्मेशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसका इंसिडेंस इतना क्यों है. यस सर, सो देयर इज वन मोर प्रॉब्लम व्हिच इज वेरी विजिबल दीज डेज, ओवर एक्टिव ब्लैडर. सो ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या आज के दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो पब्लिक कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. सो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप क्या एडवाइस करते हैं इस तरह के लोगों को कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के केस में वो सोशल लाइफ को मेनटेन करते हुए कैसे चलें और इस प्रॉब्लम को किस तरीके से अवॉइड करें. देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि ओवर एक्टिव ब्लाडर एक्चुअली में है क्या. यस सर, ओवर एक्टिव ब्लाडर इज अ कंडीशन इन विच ब्लाडर कंट्रैक्ट्स एट इरेगुलर इंटरवल्स, इनफ्रीक्वेंट इंटरवल्स, और ब्लाडर में एक्टिविटी आ जाती है जिसको पेशेंट कंट्रोल करना चाहता है. बहुत लोग तो कंट्रोल कर पाते हैं और कभी कभी यूरिन लीक हो जाता है. एंड इट गिव्स राइज टू सिम्टम्स सच एज फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड एट टाइम्स अर्ज इनकॉन्टिनेंस, यानी जल्दी जल्दी पेशाब का लगना, पेशाब लगे तो रोक नहीं पाना, नियर बाई प्लेसेस में बाथरूम हो तो भाग करके जाना, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को सूटेबल प्लेस नहीं मिलता है और यूरिन लीक कर जाती है. यहाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लाडर कैपेसिटी नॉर्मल तो है,
यदि किसी का ब्लाडर कैपेसिटी कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी तो रहेगी, यानी कि उसका ब्लाडर अभी भरा नहीं कि उसे पेशाब लग जाएगा और उसे पेशाब के लिए भागना पड़ेगा. सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ स्मॉल कैपेसिटी ब्लाडर, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन ओवर एक्टिव ब्लाडर. कैपेसिटी नॉर्मल हो, पेशाब जल्दी जल्दी लगे, पेशाब पर कंट्रोल कम हो जाए, यदि ये स्थिति आती है तो वन शुड कंसल्ट हिज यूरोलॉजिस्ट. अब यूरोलॉजिस्ट आपको कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूरिन रूटीन एंड कल्चर. कल्चर में यदि कुछ इन्फेक्शन डिनोट करता है तो उसका हम लोगों को उचित निदान करना चाहिए. नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड में हम लोगों को कैपेसिटी वगैरह की प्रॉपर एस्टिमेशन होती है. द प्रॉपर्टी प्रॉपर कैपेसिटी शुड बी ओके इन ए ब्लाडर. उसके बाद भी यदि किसी को ओवर एक्टिविटी ऑफ द ब्लाडर महसूस हो तो उसके लिए कुछ मेडिकेशंस एडवाइज्ड है. अब ऐसे में होता क्या है कि इट इज़ वेरी कॉमन इन लेडीज कि बाहर के लिए मार्केट में निकली, उनको सूटेबल स्पेस नहीं मिलता है, वो वॉइड नहीं कर पाती हैं तो वो बाहर से निकलना कम कर देती. दिस गिव्स राइज टू अ सोशल आउटकास्ट. लेकिन आज के समय में बहुत अच्छे अच्छे मेडिकेशंस आ गए हैं विच कंट्रोल्स ओवर एक्टिव ब्लाडर इन ए वेरी गुड मैनर. तो इसको शुरू शुरू में अपने आप को ब्लाडर को टोन कीजिए. कभी कभी इनकॉन्टिनेंस रहता है तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज भी हेल्प करता है. लेकिन ये सब पहले के समय में इट वॉज दी ओनली ट्रीटमेंट, बट नाउ द थिंग्स हैज चेंज्ड. तो नर्व स्टिमुलेशन से अलॉन्ग विद द मेडिकेशंस ये ओवर एक्टिव ब्लाडर को हम लोग बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं. एंड इट इज अ ग्रेट थिंग विच फार्माकोलॉजी हैज गिवन अस सो दैट हम लोग अपना सोशल आउटकास्ट कम करें. थैंक यू सो मच सर, योर थिंग्स आर वेरी नॉलेजेबल. सो थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स फॉर एंजॉइंग दिस वीडियो. थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे.